जय चिनंदा सभी को। ये कमल के फूल के पत्ते हैं और ये हैं इनके स्टेम्स, और इनको अब मैं कट करने वाली हूँ। इनसे हम बनाएंगे कमल की बाती। ठीक है, कमल की जो कॉटन होती है उसकी बाती जो बनती है वो कैसे बनती है, आज हम इसी पर वीडियो रेडी करने वाले हैं। तो ये देखिए, इसको मैं कट कर रही हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, बहुत एकदम पक चुकी है ये। और ये देखिए, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे। एक बार के लिए मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, और एक ये एकदम पक चुकी है, ये पत्ता एकदम वो हो चुका है डैमेज बिल्कुल। तो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कट। ये हमारे काम का नहीं है, ये डिकम्पोज हो जाएगा, हम मैन्यूअल में डाल देंगे। और ये डंडी मैं लेने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से हमने कट किया, इसको मैं यहाँ से पकड़ लिया। ये देखिए, इनसे हम करेंगे बत्ती तैयार। तो आज हमारा ये वीडियो होने वाला है। ये देखिए, घर में भी आप इनको उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आप घर में लोटस का प्लांट उगाना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये देखिए, हम ये ले आए हैं नीचे, और अब इसकी हमें किस तरह से कमल की कॉटन की बाती बनानी है। अब आप सोचेंगे इसमें से कॉटन कहाँ से निकलेगी, तो यही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, कमल के पत्ते ये मैं लेके आई हूँ, और ऊपर से लाके मैंने रख दिया था, फिर मैं काम लग गई थी, थोड़ा सा ड्राई हो गया। इसका हमें कुछ काम नहीं करना, हमें ये चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, एक घंटा डेढ़ घंटा मैं लेट हूँ, तो थोड़ी सी ड्राई हो गई है। ताज़ा लेके आए, उसी समय आप उसे लाके फ्रिज में रख दें तो ये बिल्कुल ताज़ा रहेगी, ठीक है। चलिए, अब इसका हम पहले आपको ये बताते हैं कि इसकी कॉटन कहाँ से निकलेगी। ये देखिए, कॉटन इसकी यहाँ से निकलती है। अब देखते हैं इसमें है क्या, क्योंकि ये सूख चुकी है, और जब गीली होती है तभी कॉटन आपको दिखाई देगी। ये देखिए, इसके अंदर से ये देखिए, अब अभी देखिएगा इसको, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल यही होती है कॉटन, यही है, ठीक समझे आप। और इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे, और इसी तरह से आपको इसे निकालना है, और बड़ी सावधानी से इसे निकालना है। अपने रूम का, जहाँ पे भी आप इसको निकालें, रूम का फ़ैन वगैरह एसी वगैरह बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए, एयर होगी तो ये उड़ जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़े थोड़े कट मार के रख लीजिए, थोड़ा बारीकी काम है, थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक करना होगा। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ रही हूँ, ये देखिए, इस तरह से कॉटन निकलेगी और इस तरह से इसकी बाती बनेगी। तो भाई, ये बड़ी पेशेंस का काम है, इस तरह से निकलती है बाती। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें इसकी कॉटन निकालनी है, और किस तरह से अब इसको हम बाती में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, साथ में मैं इसमें से कॉटन निकाल के दिखा रही हूँ आपको, साथ में कुछ बताऊँ आपको कि क्या इस बाती के आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कमल नाल की बाती का महत्व क्या है। देखिए, हम हाथ से इसे बना रहे हैं, कितनी कड़ी मेहनत से, और प्योर है बिल्कुल, हाथ से निकाली हुई बाती, ये रुई एकदम प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, हम अपने हाथ से बना रहे हैं। तो इस तरह की हाथ से ली हुई प्योर की बाती से अगर दीपक करना शुरू कर दें तो माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है
इस कमलबाती के दीपक करने से और उनके आशीर्वाद से हमें क्या प्राप्त होगा? धन, वैभव, सुख, संपत्ति, नौकरी, अच्छा मनचाहा व्यापार, मनचाहा जीवन साथी, क्या कहें कि हर प्रकार का सुख सौभाग्य है। इस धरती पे जितने भी प्रकार के सुख हैं वो सब सुख हमें मिल जाएंगे अगर इस बाती का हम सही तरीके से, सही उपयोग से, सही दिशा में इसका यूज़ करें। अब आपने देखा होगा कमल के फूल का पंचांग, हर एक वस्तु, हर एक इसकी चीज़ कितनी बहुमूल्य है। कमल गट्टा, जो कमल का बीज है, कितना बहुमूल्य है। कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कमल के पत्र पर अगर हम भोजन करते हैं तो उसके अलग ही बेनिफिट्स हैं। इसी बीच आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि कमल का फूल घर में भी उगा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर स्टार्टिंग में देखा है, मैंने घर में ही कमल के फूल उगाए हुए हैं। तो कमल की कॉटन शुद्ध प्योर पाने के लिए आप घर में ही उगाएं। और कैसे उगाए जाते हैं कमल के फूल, उसके लिए स्क्रीन पर थंबनेल दो देख रहे हैं, इन वीडियोस को आप देख लीजिए, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो बात कर रही थी कमलबाती के बेनिफिट्स की। कमल के पत्ते पर माँ लक्ष्मी को विराजमान करके आप बिठाते हैं सिंहासन बनाकर, तो उसका भी अलग बेनिफिट है। फिर इसके बाद कमल की जो ककड़ी होती है उसका औषधीय गुण तो आपको क्या ही बताएं, मतलब अनंत प्रकार के इसके लाभ हैं। ये देखिए, ये हमने दी कॉटन खड़ी बाती हम बनाएंगे, और यहाँ से हमने ऐसे लिया, ऐसे ले करके इस कॉटन को हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रखे इस प्रकार से मूव करेंगे, राउंड घुमा करके इसको ऐसे कर देंगे, ठीक, और नीचे से हम इसको जितने हमें कॉटन चाहिए उसमें रखेंगे, बाकी हम निकाल देंगे। तो जो कमल की कॉटन की जो बत्ती है वो हमारी इसमें आ गई और बाकी नीचे से हमने फैला दिया। इस तरह से हो गई ये बत्ती तैयार। अब ये वाइट है तो ऊपर से आप रोली थोड़ी सी गीली करके उसमें आप थोड़ा सा भिगो दीजिए, टच दे दीजिए, ताकि वाइट से रेड हो जाए। या फिर आप केसर से भी कर सकते हैं, दोनों में से, हल्दी से भी कर सकते हैं। तीन चीज़ें हैं, तीनों में से आप किसी से भी इनको कर सकते हैं, येलो कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से लक्ष्मी माँ की बाती हमेशा खड़ी होती है, तो खड़ी बाती ही, क्योंकि माँ लक्ष्मी, धन हमारे घर में स्थिर रहना चाहिए तो हमेशा खड़ी बाती ही लगानी चाहिए। इस प्रकार से कमल बाती बनाई जाती है। तो इस तरह से ये लोटस प्लांट की स्टेम होती है और इस डंडी से ही कॉटन निकलती है, अब आपको बताया है मैंने। तो इस तरह से आपको जब भी कमल का फूल आप घर में लाते हैं तो उसकी डंडी तो होती ही है, उसमें से आप कमल की रुई निकालिए इस तरह से और उसे आप यूज़ कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, इसे आप बड़ी पेशेंस के साथ कीजिएगा, जल्दबाजी वाला काम नहीं है ये, क्योंकि अब मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और वाकई में देखिए टाइम तो थोड़ा सा लगता है, बड़ी ध्यानपूर्वक, क्योंकि आप जहाँ पे भी करते हैं वहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर हवा होगी तो आपका काम नहीं बन पाएगा। इस तरह से ये देखिए, मैं आपको साथ में करके भी दिखा रही हूँ फिर से, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए, ये देखिए, देख पा रहे हैं कैसे उड़ रही है। तो ये बहुत ही हल्की होती है, तो बड़ा पेशेंस के साथ, इसीलिए मैंने यहाँ पे सुई रखी हुई है यहाँ, ताकि इसको बड़े आराम से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये उड़ जाएगी, वरना ये उड़ जाएगी। ये देखिए, बड़ा संभाल के इसको हमें रखना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इतनी सी देर में इतनी निकल गई है, लेकिन इसको संभाल के इसे इस तरह से रखना पड़ेगा, तभी ये टिकेगी, वरना उड़ जाएगी। तो थोड़ा सा आपने जहाँ पे भी आप बनाएं इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो
हम इतने समय से दीपक करते आ रहे हैं। पूजा पाठ में कोई भी व्रत हो, त्यौहार हो, किसी भी प्रकार का, माँ लक्ष्मी का हो, माँ सरस्वती का, किसी भी देवी देवताओं का जब पूजन होता है, दीपक की बड़ी अहम भूमिका होती है। क्यों किया जाता है, क्या होता है दीपक से, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर मंदिर में, घरों में, पूजा स्थान पर चलता आ रहा है। असल में दीपक करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। कैसे? तेल के दीपक से या घी के दीपक से निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली लो, निकलने वाली गर्मी से तो सकारात्मक प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। दीपक के इन तत्वों के निकलने का अर्थ बहुत ही सटीक माना गया है। कैसे? कमलपाती हो या आप लोटस स्टेम कह लें, लोटस स्टेम विक कह लें, इसका धर्मशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दीपक में इस्तेमाल किए जाने वाला तेल और लो दोनों ही माँ लक्ष्मी का साक्षात प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूजा करने वाले को धन का आशीर्वाद देते हैं। लो की चमक देवी सरस्वती का प्रतीक है, जो शिक्षा और ज्ञान देती हैं, और लो की गर्मी देवी दुर्गा का प्रतीक है, जो जलकर सभी बुराइयों को नष्ट करती हैं। इस प्रकार दीपक का महत्व जानते हुए घर में कम से कम संध्या के समय, अगर आपके घर में दिन हो या शाम हो, दोनों ही समय दीपक जलता है तो उत्तम ही उत्तम। हमारा हिंदू शास्त्र हमेशा से कहता है कि दिन हो और शाम का समय हो, दोनों ही समय घर में ज्योत का जलना बहुत शुभकारक होता है। और अगर आप दिन में नहीं करते तो कम से कम शाम के समय, संध्या के समय घर में दीपक जरूर जलाएं। कुछ खास दिनों की अगर बात की जाए तो माँ लक्ष्मी के सामने कमल बाती का दीपक तैयार करें। किस प्रकार से? गाय के देसी घी का ही उपयोग करें, और कमल बाती आपको बनानी बता ही दी है। तो खासकर दीपावली, होली, अमावस्या और पूर्णिमा, खास शुक्रवार के दिन, और अभी जैसे सावन शुरू हो गया है, और सावन से आप हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के सामने ये दीपक तैयार करके ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी, धन के द्वार आपके खुलने लगेंगे, और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो, धन के प्रति तंगी हो, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और आप भी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस किस ने कमल बाती बनाने की कोशिश की, और कौन कौन सफल हुआ, कौन बस ऐसे ही खेल के रह गया इनके साथ, तो क्योंकि बहुत पेशेंस का काम है ये। खैर, मैं तो सफल हो गई, तो आप भी जैसे ही बनाएं तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये थी लीफ, और कहते हैं कमल के पत्ते के ऊपर खाना खाना बहुत शुभ होता है। और भी बहुत सी बातें हैं, और बहुत से शास्त्र में हमारे इनके प्रति बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इनके बारे में और भी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये देखिए, मैंने पहले भी बातें बनाई थी, और पहले मैंने खुद ट्राई की थी, फिर आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।